त्रिकालदर्शी संत पंडोकर सरकार से हुई चाचा शिवपाल की मुलाकात, अखिलेश यादव को लेकर कर दी ऐसी भविष्यवाणी। अखिलेश शिवपाल के मिलन पर पंडोकर सरकार ने कह दी ऐसी बात, सुनकर खुश हुए समाजवादी। पंडोकर सरकार धाम और चाचा शिवपाल के बीच क्या है रिश्ता, क्यों दोनों दिखाई दिए एक साथ? प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक मंच पर आने के बाद से तरह तरह की राजनीतिक अटकलबाजियां शुरू हो चुकी हैं। लोग तरह तरह की कयासबाजी भी कर रहे हैं। गाहे बगाहे मैनपुरी उपचुनाव का परिणाम भी लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन इस चुनाव के बाद प्रसपा और सपा का क्या होगा, इसको लेकर अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। इस सबके बीच त्रिकालदर्शी संत ने शिवपाल और अखिलेश के एक साथ होने को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उसने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, क्योंकि बाबा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो वे कह देते हैं उसे कोई नहीं टाल सकता। भविष्य दृष्टा त्रिकालदर्शी संत पंडोकर सरकार ने कहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव यानी चाचा भतीजे के बीच आपसी मतभेद दूर होना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत है, शीघ्र ही इसका असर दिखेगा। इन दोनों का आपसी मिलन प्रदेश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन लाएगा। आपको बता दें कि पंडोकर सरकार मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध भविष्य दृष्टा संत हैं, लेकिन अपने ट्रस्ट के लिए वो अपने कोषाध्यक्ष के घर जरूर पहुंचे। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने खुद उनकी अगवानी की, उनका आशीर्वाद लिया। शिवपाल से मिलते ही संत पंडोकर बोले कि आप चाचा भतीजे एक हो गए हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि आज लोग राजनीतिक कारणों से बेहद परेशान हैं। इससे पहले शादी समारोह में पधारे बड़ी संख्या में जसवंत नगर के लोगों से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव देश की दिशा तय करेगा। डिंपल का जीतना ये संकेत होगा कि 2024 में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने जा रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि यह चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि नेताजी ने अपने कार्यकाल में जसवंत नगर की तकदीर बदली है, यहाँ का विकास किया है। जाहिर है कि इस भविष्यवाणी के बारे में जानने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये संत आखिर कौन है। चलिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर तहसील में स्थित पंडोकर नामक स्थान के पुरोहित गुरुशरण शर्मा को पंडोकर सरकार के तौर पर जाना जाता है। पंडोकर सरकार के अनुयायियों का दावा है कि गुरुशरण शर्मा त्रिकालदर्शी दरबार लगाते हैं, जहां चैलेंज के साथ भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बता दिया जाता है। इनके दरबार में भक्त अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। इनकी भक्ति में इतनी श्रद्धा है कि बड़ी संख्या में भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहां पहुंचते हैं। पंडोकर सरकार धाम में विराजमान भगवान हनुमान जी की असीम कृपा भक्तों पर बरसती है। इन्हीं त्रिकालदर्शी संत ने अखिलेश और शिवपाल के मिलन को लेकर भविष्यवाणी की है और राजनीतिक गलियारों को गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।